हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू द चैनल। जो मेरी लास्ट वीडियो थी स्लीप कंपनी मैट्रेस के रिव्यू का, उससे अभी एक हफ्ता हो चुका है। और लास्ट वीडियो में मैंने क्या है आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी। जैसे जैसे मैट्रेस आता है तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं लग पाता कि मैट्रेस की क्वालिटी कैसे, कैसा रेस्पॉन्स है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि मैं 1 वीक बाद इसका रिव्यू बनाने वाला हूँ, तो आज क्या है एक हफ्ता हो चुका है इस मैट्रेस को लिए हुए। तो एक हफ्ते के अंदर मुझे इसके अंदर क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बेकार लगी, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर हम इस मैट्रेस के बारे में बात करते हैं तो बैठ के हम बात करते हैं। अभी देखिए मैंने इसकी पन्नी भी नहीं हटाई है क्योंकि अभी तो हम इसका रिव्यू देख रहे हैं। और ये चीज़ मैं बता दूं कि ये मेरा खुद के पैसों से खरीदा हुआ मैट्रेस है। दिस इज नॉट आ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मतलब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है अबाउट दिस मैट्रेस। तो सबसे पहले हम अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे या उसके बाद हम और क्या इसके अंदर मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें मुझे इस बेड के अंदर मैट्रेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक तो ये है कि इसके अंदर जो सोने का एक्सपीरियंस होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आराम से इसके अंदर हम ऐसे लेटते हैं तो मतलब अच्छा फील होता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी चीज़ आपके नीचे है। मतलब इसका जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। क्या चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा बेकार लगी वो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या होता है कि हम जब सुबह सुबह सो के उठते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे आराम से लेटे हुए हैं, तो आराम से लेटे हुए तब तो ठीक है मैट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे हर कोई सुबह सुबह उठता है और सबसे पहले बैठता है, आराम से बैठता है, तो बैठने की वजह से होता है क्या ना कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये बैठने की वजह से होता है क्या कि ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे वेट ज़्यादा पड़ा वो नीचे चला जा रहा है। और मतलब अगर आपको चाय पीनी है तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप बहुत ज़्यादा अंदर धंसे हुए हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत इसकी थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मतलब ये चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई व्यक्ति अगर बैठ रहा है तो उस सिचुएशन में भी मतलब इतना ज़्यादा धंसना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। तो ये चीज़ एक मुझे सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी नहीं लगी। एक चीज़ मुझे और अच्छी नहीं लगी जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी होता है कि हम आते हैं इस साइड, कोई सोया हुआ है तो हमारे मन में होता है कि हम इस साइड चले आएँ, तो होता है कि जब मैं उधर से चढ़ता हूँ यहाँ पे, तो चढ़ने की वजह से होता है क्या कि पैर हमारे जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे धंस जाता है। इसको हटा के एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। आते हैं तो इसे जब चढ़ते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नीचे धस जाती है, तो ये चीज़ थोड़ी मुझे बहुत बेकार लगी कि मतलब अगर इधर से व्यक्ति को इधर जाना हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा धस जाता है। तो एक चीज़ मुझे ये 1 वीक में ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये चीज़ बहुत बेकार लगी। मतलब पहला एक तो बैठने वाला सिस्टम, अगर आप चाहेंगे कि मुझे बैठ के काफ़ी देर तक बैठा रहना है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरा है कि चल के इसके ऊपर जाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। हाँ, अच्छी चीज़ में यही जरूर कहूँगा कि हाँ इसमें लेटना है आपको, बेड जाहिर सी बात है लेटने के लिए होता है, तो बेड लेटना है तो उसके लिए बेस्ट लगा मेरे को। मतलब आराम से यूँ लेट लो, लेटने का सोने का इसमें किसी तरीके का आपको बैक पेन नहीं होता है, कमर में दर्द नहीं होने वाला है इस मैट्रेस को आप यूज करते हैं। तो क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ मुझे बेकार लगी, दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करा। द स्लीप कंपनी मैट्रेस के बारे में जितना ज़्यादा पैसा ले रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप इससे कम पैसे में भी मैट्रेस लेते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम चल सकता है। मुझे नहीं लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एक्सपीरियंस चाहते हैं तो यही वाला आपको आप मैट्रेस वाला लें। जो वेकफिट वगैरह के आ रहे हैं स्लीपी हेड के, जिस बजट रेंज के अंदर आ रहे हैं, वो बजट रेंज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मतलब मैं सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बेस्ट लेना है, तो जितना पैसा मैंने खर्चा किया इस मैट्रेस के लिए शायद मुझे लगता है कि उतना वर्थ इट नहीं लगा मेरे को। क्योंकि मुझे लगता है जो फैसिलिटीज के अंदर मुझे मिल रही है, मुझे लगता है कि इससे मैं 5-7 हज़ार पैसा कम भी खर्चा करने वाले करके मतलब मैं कोई मैट्रेस लेता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, वो भी शायद मुझे इतना लगता है दे सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैट्रेस ठीक नहीं है, मैट्रेस अच्छा है। अगर आप मैट्रेस लेना चाह रहे हैं तो जो मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 के रेंज में मैट्रेस हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना पैसा ये कंपनी ले रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये मत सोचिएगा कि मतलब हाँ चलो ठीक है हम इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, हमें बढ़िया चीज़ मिल जाती है, बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाती है, तो शायद ये भी चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद मतलब ये है कि मैट्रेस ठीक है
लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस मैट्रेस से नहीं मिले मेरे को। हाँ, मुझे ऐसा मेरे माइंड में 1 वीक यूज करने और मेरे माइंड में एक बात जरूर आई, शायद मैं इससे 5-7 हजार सस्ता वाला मैट्रेस भी ले लेता तो शायद मेरा काम चल जाता, उसमें भी मुझे अच्छी कंफर्ट शायद मुझे मिल जाता। बस यही था इस मैट्रेस को लेकर कि 1 वीक यूज करने के बाद मुझे मैट्रेस का एक्सपीरियंस है जो कैसा लगा। मैट्रेस ठीक है, क्वालिटी वाइज ठीक लगा मेरे को। लेटने का एक्सपीरियंस में मतलब मैं कहूंगा कि 10 out of 10 है, मतलब लेटने के एक्सपीरियंस में कोई वो नहीं है, मतलब बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे को। लेकिन हाँ, पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, सबसे महंगा मैट्रेस है इन कंपनी का, ठीक है। और दो प्रॉब्लम मैंने बता दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैट्रेस लेना चाह रहे हैं, बजट है आप, बहुत ज्यादा पैसा है अगर आपके पास, तो इन दैट केस ले लीजिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इससे भी 5-7 हजार सस्ते जो मैट्रेस आ रहे हैं उससे भी आपको काफी अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा। ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट द स्लिप कंपनी मैट्रेस जो कि 6 in 3D में है। और बात रही अंडर टेस्ट की, अभी तक हमने नहीं किया क्योंकि उसकी मुझे जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमें बेड पे सोना है ना कि अंडा रख के लेटना है, ठीक है। सो आई होप कि आज की जो वीडियो थी आप सभी लोग अच्छी लगी होगी। और इसके बाद एक और मैं रिव्यू देने वाला हूँ 2 वीक्स के बाद या फिर 1 मंथ के बाद, कि और क्या क्या चीजें इसमें जो बेकार लगी अच्छी लगी। तो अगर इसके और भी आगे पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां जाके इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, द स्लिप कंपनी मैट्रेस 6 in में ग्रिड में। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।